हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन किचन। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो चना मसाला कुकिंग विदाउट ऑयल। तो आइए इसकी सामग्री देखते हैं, इसमें मैं क्या क्या डालने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो ये है हमारा चना जिसे मैंने 4 घंटे पानी में भिगो के रखा है और उसके बाद इसे 4 सीटी कुकर में डाल के बॉयल कर लिया है। और ये देखो, ये इस तरह से मतलब हाथ से ऐसे करने पे ये मतलब बॉयल दिख रहा है ना, तो देखो ये यानी ऐसा होना चाहिए बॉयल होने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये खीरा चॉप्ड करके रखा है, टमाटो चॉप्ड करके रखा है और धनिया की पत्ती चॉप्ड करके रखा है और ये प्याज है, एक प्याज है जिसे मैंने उसे भी चॉप्ड किया है और ये हरी मिर्च और अदरक भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये शिमला मिर्च है। और इसके साथ जो मैं मसाले डालूंगी वो है फ्रेंड्स ये काला नमक और रेड चिली पाउडर, ये सादा नमक और ये थोड़ी सी हींग एक पिंच के करीब आप इसमें डालोगे और ये चाट मसाला। तो आइए फ्रेंड, मैं चलिए बनाते हैं, देखते हैं इसमें कैसे मिक्स करना है। तो पहले मैं ये चॉप्ड कुकम्बर डालूंगी, के बाद ये चॉप्ड टमाटर, ये धनिया की पत्ती गई इसमें, ये प्याज गया इसमें और ये ग्रीन चिली। फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अनुसार डालो, क्योंकि बहुत लोग थोड़ा तीखा पसंद करते हैं और बहुत लोग थोड़ा तीखा कम पसंद करते हैं। तो मैंने 2 काटा है तो मैं इतने के लिए ये 2 काफ़ी है। और ये अदरक चॉप्ड है वो भी मैं डाल देती हूँ और ये शिमला मिर्च है फ्रेंड्स, इसे भी इसमें डालना है। फ्रेंड्स ये जो चना मसाला है ये बहुत ही हेल्दी है, आप इसे सुबह जॉगिंग से आने के बाद खा सकते हो, शाम में नाश्ते के टाइप से भी खा सकते हो। तो आप इसमें अब मैं नमक डालूंगी, ये सादा नमक है और ये काला नमक है। काला नमक डालने से फ्रेंड्स थोड़ा टेस्ट जो है डिफरेंट आता है, थोड़ा सा चटपटा टाइप का आता है। और ये चाट मसाला और ये हींग और ये मैंने आप खुद के अकॉर्डिंग ये रेड चिली पाउडर लिया है तो मैं इसमें पूरा ही डालूंगी। तो अब फ्रेंड मैं इसे इन सारे सामग्री को मैं मिक्स कर लूंगी। ये फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी है खाने में और देखने में भी, जब ये मिक्स हो जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। जितना सुंदर ये देखने में लग रहा है उतना ही सुंदर खाने में भी लगेगा। तो आजकल तो लोग विदाउट ऑयल जरूर पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल लोग थोड़े कम ऑयल खाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत हेल्दी और टेस्टी है तो मैं इसे आपको ज़रूर मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो देखो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपका मिक्स हो गया है, अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। तो और इसमें बेटर टेस्ट के लिए फ्रेंड मैं इसमें नींबू का रस थोड़ा निचोड़ूंगी ऊपर से, तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा। और साथ में मैंने इसके नींबू पानी भी दिया है, जिनको जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए
ये हेल्दी। हाँ तो फ्रेंड इसकी प्लेटिंग हो गई है, वो ये देखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है और ये इतना हेल्दी है फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसे तो बच्चे भी बना सकते हैं और खा सकते हैं क्योंकि इसमें ना तो ऑयल है। और ये रहा आपका चना मसाला विदाउट ऑयल। हाँ तो फ्रेंड इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी डाली थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे देख लेना। और फ्रेंड इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।